बाहुबली मुख्तार अंसारी का जाने दुश्मन डॉन ब्रिजेश सिंह 14 साल तक कैद में रहने के बाद जमानत पर जेल से बाहर आ गया है। डॉन ब्रिजेश सिंह की जेल की रिहाई के बाद से माफिया मुख्तार अंसारी बेचैन हो गया है। जब से ब्रिजेश सिंह जेल से छूटा है, तब से ही बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की चिंता बढ़ गई है। सूत्रों की माने तो जेल में बंद मुख्तार अंसारी ना तो सही से सो पा रहा है और ना ही सही से खा पा रहा है। उसे खबर हो गई है कि डॉन ब्रिजेश सिंह बाहर आ गया है। जेल के सूत्रों ने बताया कि ब्रिजेश सिंह के जेल से रिहाई के बाद से माफिया मुख्तार अंसारी सख्ते में आ गया है। मुख्तार अंसारी जेल की तनहा बैरक में रात भर नहीं सो पाया है। इतना ही नहीं, मुख्तार अंसारी सही से खाना भी नहीं खा पा रहा है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार बाहुबली मुख्तार अंसारी पर हुए जानलेवा हमले व हत्या के षड्यंत्र के आरोपी माफिया ब्रिजेश सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह की जमानत मंजूर कर ली और गुरुवार को डॉन ब्रिजेश सिंह रिहा हो गया। ब्रिजेश सिंह पिछले 14 साल से जेल में बंद था। ब्रिजेश सिंह पर अपने साथियों के साथ मिलकर पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी के काफिले पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। 15 जुलाई 2001 मुख्तार अंसारी के काफिले पर गोलीबारी हुई थी और इस हमले में मुख्तार के गनर की मौत हो गई थी और कई अन्य लोग घायल हो गए थे। डॉन ब्रिजेश सिंह व अन्य लोगों के खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में जानलेवा हमला व हत्या सहित आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में हाईकोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा के सिंगल बेंच ने डॉन ब्रिजेश सिंह को जमानत दी। हाईकोर्ट में जमानत के समर्थन में याची की ओर से कहा गया कि वह इस मामले में 2009 से जेल में बंद है। इससे पहले उसकी पहली जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। साथ ही कोर्ट ने विचारण न्यायाधीश को निर्देश दिया था कि मुकदमे के विचारण में एक वर्ष के अंदर सभी गवाहों की गवाही पूरी कर ली जाए और ट्रायल भी पूरा किया जाए, लेकिन अवधि बीतने के बाद भी सिर्फ एक ही गवाह का बयान दर्ज कराया जा सका है। कहा जाता है कि पहले ब्रिजेश और मुख्तार अंसारी की दोस्ती हुआ करती थी, मगर दोनों के बीच रिश्ता तल्ख तब हुए जब साल 1991 में वाराणसी के पिंडरा से विधायक अजय राय के भाई अवधेश की मौत की खबर सुनकर ब्रिजेश सिंह का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। अवधेश की हत्या में मुख्तार अंसारी और उसके गैंग का नाम सामने आया और यह बात ब्रिजेश सिंह को खल गई। मुख्तार अंसारी ने 1996 में पहली बार विधानसभा सदस्य बनने के बाद से ब्रिजेश सिंह की जरायम की सत्ता को चुनौती देने लगा। इसके ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की अदावत बढ़ गई। 1996 में मुख्तार अंसारी पहली बार विधायक बना और उसका रुतबा बढ़ गया। गाजीपुर में 15 जुलाई 2001 को मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के उसरचट्टी इलाके में तत्कालीन मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी के काफिले पर ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह ने मिलकर जानलेवा हमला किया था। दिन में दोपहर 12:30 बजे हुए इस हमले में मुख्तार अंसारी के गनर समेत 3 लोगों की मौत हुई थी।